नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन। अपने भारत में जो जल परिवहन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटरवेज भी बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज भी बोलेंगे, वो सबसे पुराना और सबसे सस्ता सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल साधन माना जाता है। अब समझ लीजिए, जो बड़े बड़े सामान होते हैं, बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा साधन है। अपने भारत में ये दो प्रकार का है, एक है आंतरिक आंतरिक जल परिवहन और एक है महासागरीय जल परिवहन। अब आप ये समझ लीजिए, जो आंतरिक जल परिवहन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें देखिए आपको दिख रही है ना, कुछ नदियाँ दिख रही हैं, ये नदियाँ, ये हैं, ये सब आंतरिक जल परिवहन में आता है, जो कि रेल और सड़क विकास के बाद कुल परिवहन को जोड़ ले तो 1% से भी कम है। ये आंतरिक जल परिवहन जो है वो 1% से भी कम है। इसमें कौन कौन से, भारत की गंगा नदी, भारत की गंगा नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र आती है, नर्मदा आती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, ये सब आंतरिक जल वाहन में प्रयोग होती है। ठीक है ना, आपको याद रहेगा। अब दूसरा नंबर पे आता है महासागरी जल परिवहन। भारत के पास द्वीपों सहित, अगर हम लोग हिमालय भारत के द्वीप सब मिला ले, 7517 किलोमीटर, मतलब कि 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, और 13 प्रमुख, जिसमें के 13 प्रमुख हम लोग पढ़ भी चुके थे। अब इसमें से जो समुद्री परिवहन को चलाने का काम करते हैं, यही करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरों महासागरीय मार्गों की बहुत अच्छी भूमिका मानी जाती है। भारत के, अभी समझ लीजिए, भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और प्राइस के अनुसार 70% 70% विदेशी व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है, मतलब महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसकी लंबाई क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया, कौन सी नदी में है। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पे इलाहाबाद से यहाँ हल्दिया तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार किया गया है, आपको याद रहेगा ना। नदी कौन सी है, साफ साफ दिख रही है। देखिए अगर आपने नदी वाला मेरा वीडियो देखा तो आप उसको आंख बंद करके बता दें, गंगा नदी। इसमें कितने सारे गंगा नदी सहायक नदियाँ निकल रही हैं। इसकी जो लंबाई है, नोट कर लीजिएगा, 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जल मार्ग, मतलब कि ये जो नेशनल वाटरवे है, ये नेशनल वाटरवे 1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है, और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक, इतना याद रखिएगा, गंगा नदी पे है। इसको जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला पार्ट है वो हल्दिया से, पहला पार्ट हल्दिया से फरक्का तक है, दूसरा पार्ट फरक्का से पटना तक है, तीसरा पार्ट पटना से इलाहाबाद तक है। ठीक है, अब जो हल्दिया से फरक्का तक है वो 560 किलोमीटर, मतलब 560 किलोमीटर है। फरक्का से पटना तक का मार्ग रास्ता है 460 किलोमीटर है, और पटना से इलाहाबाद तक का मार्ग जो है ये 600 किलोमीटर है। तो 600, 400, 1000, 1060 हो गया, और 1560 और 60, 1620, मतलब कि कुल लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर है। ये शुरू कब किया गया था, ये शुरू किया गया था, ये वाला वाटर मार्ग शुरू किया गया था 1986, 1986 में। ठीक है, आपको पहला जल मार्ग क्लियर हो गया। मैप से आप इसलिए हम मैप से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपको मैप बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि आप किताबों से पढ़ेंगे तो आपको मैप नहीं मिलेगा। मैंने मैप आपको इसलिए प्रोवाइड किया है कि आप मैप से देखिए, उसमें आपको अपनी आंखों में बसाइए। देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा वाला जल मार्ग। दूसरा वाला जल मार्ग देखिए, आपको ये दिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात ये है, ये जो मार्ग है ये हम लोग का, ये इंटरनेशनल स्टीमर रूट में भी आता है। इसकी जो लंबाई है ये 891 किलोमीटर है अपने भारत में। कहाँ से कहाँ तक है ये सदिया से घुबरी तक है। अब देखिए मैप में तो नहीं दिखा सकते, ये सदिया से धुबरी तक है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, सदिया से धुबरी तक। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। खास बात, स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक ये जो है जाने लायक है, जिसका भारत और बांग्लादेश के, आपको जो ग्रीन कलर के जो रूट दिख रहे हैं ये इंटरनेशनल रूट हैं, इंटरनेशनल स्टीमर रूट हैं, इसलिए ये ग्रीन कलर के हैं। फिर देखिए ग्रीन कलर के, खास बात ये है कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो भी व्यापार होता है,
वाटरवेज से रिलेटेड वो यहीं से होता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में, 1988 में, जबकि नेशनल वाटरवे वन की शुरुआत की गई थी 1986 में। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 3 पे। मैप को हम नीचे करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, दोनों ही के हैं, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसकी लंबाई जो है मात्र 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है, आपको दिख रहा है केरला पे। ये कहाँ से कहाँ तक है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक। किस नदी या नहर पे? एक्चुअल में नदर नदी पे नहीं, नहर पे है ये, जिसका नाम है चंपाकारा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आया, नहीं तो नोट कर लीजिए, सबसे अच्छा है। चंपाकारा नहर पर है ये, याद रहेगा ना आपको, ये चंपाकारा नहर पर है। और ये कहाँ पे बस आपको दिख रहा है, देखिए जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है, तट कहेंगे, घाट नहीं कहेंगे, पश्चिमी तट के साथ ये 168 किलोमीटर का जो है ये काम देता है हम लोग को। शुरुआत कब की गई थी? 1991 में। फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वाला नेशनल जो जलमार्ग वन था वो शुरुआत किया गया था 1986 में, टू था वो शुरू किया गया था 1988 में, जो थ्री है वो शुरू किया गया था 1991 में। ठीक है ना, तीन हम लोगों ने देख लिए। पहला वाला गंगा नदी में था, दूसरा वाला ब्रह्मपुत्र नदी में था, तीसरा वाला चंपाकारा नहर पे। आते हैं नेशनल वाटरवे 4 पे, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 पे, जो कि लंबाई के दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, ये आपको दिख रहा है। मैप छोटा करेंगे, देखिए दिख रहा है ना, तमिलनाडु होते हुए इधर होते हुए आंध्र प्रदेश में दिख रहा है आपको, देख लिया। ठीक है, ये देखा आपको। चलिए, खास बात, दूसरे स्थान पे है लंबाई की दृष्टि से, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1095, लगभग 1100 किलोमीटर, आप याद कर लीजिए, जरूरी नहीं एग्जैक्टली फिगर याद करें, लगभग 1100 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो पुदुचेरी नहर है, पुदुचेरी नहर से काकीनाडा तक, पुदुचेरी नहर से काकीनाडा तक इसका विस्तार है। कौन सी नदी पे है? कृष्णा और गोदावरी नदी पे है। ठीक है, ये देखिए आपको गोदावरी नदी दिख रही है, कृष्णा नदी दिख रही है, इन नदियों पर है। अब देखो ये सिर्फ नदी दो हैं, नहर से भी जा रहा है। इस नहर से गोदावरी एवं कृष्णा नदी को जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा जाएगा, और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरने वाला जलमार्ग होगा। तो आपको दिख रहा है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, शुरुआत कब किया गया? 2008 में। फिर से देखिए, पहला वाला कब शुरू किया गया? 1986 में। दूसरा कब शुरू किया गया? 1988 में। तीसरा कब शुरू किया गया? 1991 में। दूसरा कब शुरू किया गया? 2008 में। बहुत लंबा गैप ले लिया उन्होंने 2008 में। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के बाद आता है 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 5। देखिए इसमें ये लिख दिया मैंने, ये देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी इसका भी आरंभिक वर्ष जो था, आरंभ वर्ष था 2008 था। ये ब्राह्मणी नदी पे बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी नदी पे है। लंबाई 623 किलोमीटर। पूर्वी तट नहर भी देखिए, ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट नहर तक इसका विस्तार है, ब्राह्मणी नदी पे है, ओडिशा को पश्चिम बंगाल से ये जोड़ रहा है, या फिर कह दीजिए इसका विस्तार जो है पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक है। और 2008 में ये शुरुआत करी गई थी इसकी। तो देखिए 2008 में दो यहाँ पे बने थे, एक कौन कौन सा? नेशनल वाटरवे 4 और नेशनल वाटरवे 5, मतलब कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की स्थापना आरंभ वर्ष 2008 को हुआ था, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को 1986 में, 2 को 1988 में, 3 का 1991 में। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है उसकी प्रस्तावना, मतलब कि प्रस्तावित है, कहाँ से? लखीमपुर खीरी से भंगा तक का है, असम
असम में विकसित किया जाएगा, ये लंबा किया जाएगा, या राजमार्ग जो है हल्दिया से कोलकाता बंदरगाह को जोड़ा जाएगा। अब देखिए कब तक शुरू होता है, तो आज का ये वाटरवे था हम लोगों ने देख लिया, वाटरवे आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा थोड़ा सा कुछ फैक्ट समझ लीजिए, जो महासागरी जल परिवहन का है फैक्ट, जैसे हमने आपको बताया था कि एक आता है जब उसको ब्रेक करेंगे तो जहाज रानी, आपने सुना होगा जहाज रानी क्या होता है, जैसे कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जहाज रानी को बहुत अच्छा महत्व समझा गया था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1919 में, ठीक, माफ़ करिएगा, 1919 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, 1919 में। ठीक है, 1919 में जब हुआ तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन की स्थापना की गई। भारत का जहाज रानी बेड़ा जो है इस टाइम विश्व में 12वां तथा विकासशील देशों में सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का जहाज रानी बेड़ा सिस्टम वर्ल्ड में 12वां है और विकासशील देशों में सबसे बड़ा है। भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से जहाज रानी बेड़े का 20वां स्थान है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% भाग पर जहाज रानी का, भारतीय जहाज रानी कर रही है। ये था तो एक आपने नाम सुना होगा INWA, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी, उसी के तहत बनाया गया था। अब इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में, याद रखिएगा, अंतर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। और केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना। और भारतीय अंतर्देशीय जल जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को, और वो की गई थी 1967 को। ठीक है, 19 साल के बाद फिर ये हुई थी। और अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कोलकाता पे है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसका निगम के गंगा भागीरथी हुगली और ब्रह्मपुत्र नदियों से अंतर्देशीय माल ढुलाई का प्रबंधन करता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक खत्म करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।